आप स्पोर्ट्स सेंटर पे जाओगे तो फुल एक्साइटमेंट होता है, पूरी दुनिया चीयर अप कर रही होती है स्पोर्ट्स टीम को खेलने के लिए। अगर वो ना खेले उनकी वाट लगा दी, अगर वो अपना बेस्ट परफॉर्म ना करें तो उनकी वो एनवायरमेंट। एग्जाम हॉल के अंदर में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, बच्चे का फुल फोकस फुल कॉन्सेंट्रेशन एक क्लासरूम के बनस्पत एग्जाम हॉल में कहीं ज्यादा होता है पूरे के पूरे पेपर के ऊपर में, क्योंकि वहां पे एनवायरमेंट वैसा होता है। आप कभी भी जाके देखो किसी क्लब नाइट क्लब के अंदर एनवायरमेंट और मंदिर मस्जिद के अंदर एनवायरमेंट टोटली एकदम अपने पर्टिकुलर मैसेज या थीम से कंड्यूसिव होता है। तो वैसे ही आपका टाइम मैनेजमेंट, आप जिस चीज के लिए करना चाह रहे हैं उसके लिए आपका एनवायरमेंट कंड्यूसिव होना चाहिए। ये कंड्यूसिव एनवायरमेंट बनाना हमारी जिम्मेदारी है, किसी और की। इसके अलावा प्राथमिकताओं को सेट करना, सेटिंग प्रायोरिटीज, आखिर आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी लाइफ में क्या प्रायोरिटी है। अगर लाइफ में सफल होना प्रायोरिटी है, एडिशनल इनकम बनाना प्रायोरिटी है, एक मजबूत इनकम बनाना प्रायोरिटी है, तो आप प्लान शो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी वो प्रायोरिटी नहीं। सीधी सी बात है, अगर किसी की प्रायोरिटी है कि मेरे पास एक अच्छा बेहतर फिजिक हो और वो वर्कआउट ही ना करे, इसका मतलब बेहतर फिजिक उसकी प्रायोरिटी नहीं, वो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रही। उसी प्रकार से बहुत सारे लोग अपने आप से झूठ बोलते हैं कि उन्हें पैसे चाहिए या उन्हें सफलता चाहिए, क्योंकि वो उस सफलता के बनिस्पत उसके मार्फत उसके करस्पॉन्डिंग प्रायोरिटी सेट नहीं करते। और इसी का कोरोलरी है एलिमिनेटिंग नॉन प्रायोरिटी। आप नोटिस करो कि आपके दिन भर में कितने ऐसे काम है जो प्रायोरिटी नहीं, नॉन प्रायोरिटीज है, उन कामों को एलिमिनेट करना। फॉर एग्जाम्पल, किसी का सडनली फोन आ गया, उससे फोन पे बात करने लगे, क्या था, नॉन प्रायोरिटी। फॉर एग्जाम्पल, अचानक से यूट्यूब पर देखा एक नया गाना आ गया, उसको देखने लगे, नॉन प्रायोरिटी। फॉर एग्जाम्पल, सडनली किसी आदमी कोई शॉपिंग के ऐप से एक नोटिफिकेशन आया कि भैया ये कपड़े सस्ते मिल रहे हैं, आज इतना बिलियन डॉलर डे है, 50% छूट चल रही है, उसमें घुस गए। सडनली किसी फोन फ्रेंड का फोन आया कि चलो घूमने चलते हैं, और वहां निकल गए, नॉन प्रायोरिटी। सडनली किसी का फोन आया, आपसे ये हॉट टॉक हो गई, झगड़ा हो गया, सडनली आपके दिमाग में कुछ मूड खराब हुआ और कोई चीज ऐसी हो गई, नॉन प्रायोरिटी, वो आपकी प्रायोरिटी नहीं। एलिमिनेटिंग नॉन प्रायोरिटी, गोल सेटिंग, दिन भर को सिर्फ बिताना ही पर्पस नहीं होना चाहिए, दिन भर से क्या एक्सट्रैक्ट करना है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सफल लोगों में असफल लोगों में यही डिफरेंस है कि असफल लोगों को पता नहीं कि उनको दिन भर से क्या निकालना है, या घंटे से क्या निकालना है, या इस चार घंटे से क्या निकालना है, या इस हफ्ते से क्या निकालना है, और सफल लोगों को 100% एग्जैक्टली पता है कि उनको उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन से क्या निकालना है। इसी को कहते हैं गोल सेटिंग। जैसे एक क्रिकेट मैच में किसी अच्छे प्लेयर को पता होता है कि उसके एग्जैक्टली ओवर में कितने रन मारने, अकॉर्डिंगली वो निकल के छक्का मारता है और फिर सिंगल लेता है, उसके पास एक गोल क्लियर कट सेट होता है। जैसे एग्जाम हॉल में बच्चे को पता होता है कि उसको क्वेश्चन पेपर कितने अटेम्प्ट करने हैं उसमें से क्वेश्चन और कितने नंबर उठा लेने हैं, उसी प्रकार से एक सफल व्यक्ति को एग्जैक्टली पता होता है कि आज के दिन भर में से मुझे क्या उठा लेना है, क्या जूस एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एंड देन फॉर्मिंग द राइट हैबिट्स, जब अपने आप को इन सारी चीजों के प्रति आप केंद्रित करके सही हैबिट्स को लेकर के आते हैं, तो आप एक नॉर्मल एवरेज व्यक्ति से तपस्वी बन जाते हैं। राइट हैबिट वाला व्यक्ति जो होता है वही व्यक्ति चीजों को साध लेता है, और साधने वाले को ही साधक और उसके बाद साधु बोलते हैं। ओके, जिनको लगता है कि उनके पास कम समय है, उनके पास कम समय है, उनके लिए सिर्फ एक छोटा सा कैलकुलेशन यहाँ पर किया गया। कोई भी व्यक्ति 7 दिनों में कितने घंटे सो लेगा, बहुत सोएगा तो बच्चे 8 घंटे सोते हैं, अडल्ट तो 6 घंटे सोते हैं, मैंने एवरेज 7 आवर्स पकड़ लिया। अगर आप 7 आवर्स की भी नींद लेते हैं 7 दिन, तो टोटल कितना हो गया, 49 आवर्स पर वीक। अगर आप कोई जॉब करते हैं और साथ में ट्रैफिक का भी सामना करते हैं, तो 9 घंटे आप कैलकुलेट कर लीजिए एवरेज में, 6 दिन के हिसाब से 54 घंटे होंगे। इसके अलावा रोज की जो डेली रूटीन होती है, नहाना धोना खाना पीना ये सारी चीज मिला करके 2 घंटे से अधिक वक्त किसी आदमी का नहीं जाता है, 7 दिन के हिसाब से 14 घंटे। सोशल मीडिया पर भी 1 घंटा आपने खर्च कर दिया, 7 दिन के साथ 7 आवर्स होते हैं, और आपने मौज मस्ती में भी अगर 1 घंटा खर्च कर दिया तो 7 घंटे ही होते हैं। फैमिली को आपने 2 घंटे पर डे दे दिया, 7 दिनों से मल्टीप्लाई कर लिए तो भी 14 घंटे होते हैं। और मिसेलिनियस यानी सैटरडे संडे वीकेंड पे भी आपने एक्स्ट्रा अगर कुछ खर्च कर दिया, या आपने दिन प्रतिदिन खर्च किया 1 घंटा, तब भी 7 घंटे ही होते हैं, टोटल 152 घंटे। अगर देखा जाए तो पूरे हफ्ते में 168 घंटे होते हैं, बैलेंस आपके पास 16 घंटे फिर भी बच जाते हैं, यानी 2.5 घंटे पर डे हर आदमी के पास में एक्स्ट्रा पार्ट टाइम प्रेजेंट है, चाहे वो माने या ना माने इस बात। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात क्या है, अपने अनप्रोडक्टिव डे को आप टर्न अराउंड कर सकते हैं अगर आपको जानकारी मिल जाए कि पर डे 2.5 घंटे आपका वेस्ट हो रहा है, 2.5 घंटे आप पर डे वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको मालूम चल जाए कि एवरी डे एवरी मंथ आपने बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए डालते हैं और उसमें से आपका उस 1 लाख रुपए में से कितना 25,000 रुपए माइनस रहता है, अगर आपको मालूम चले या लेट से 1 लाख रुपए से 10,000 रुपए माइनस रहता है, तब कैसा फील करेंगे, उस बैंक में पैसा डालेंगे नहीं डालेंगे, या उस 10,000 रुपए को आप समय रहते खींच लेंगे। उसी प्रकार से 2.5 घंटा जो पर डे आपका वेस्ट हो रहा है उसको समय रहते खींचना होगा, इसी को टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। एमवे बिजनेस करने के लिए, एमवे बिजनेस कुछ नहीं है, एमवे बिजनेस सिर्फ आपके अनप्रोडक्टिव टाइम को प्रोडक्टिव करने का एक जरिया है। दरअसल वो सफलता आपके अंदर ही छुपी हुई,
आप कोई और बिजनेस भी करके सफल हो सकते हैं, याद रखिएगा, सिर्फ एमवे ही नहीं, कोई और बिजनेस करके सफल हो सकते हैं। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि सिर्फ एमवे ही सफलता का रास्ता है, एमवे हमारी आंखें खोलता है और आंखें खुलने के बाद आप कहीं भी सफल हो सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई, थिएटर ने शाहरुख खान की आंखें खोल दी, उसके थिएटर से फिल्म, फिल्म से कहां कहां शाहरुख खान पहुंच गया, बहुत सारी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी ओन करते हैं क्रिकेट की और क्या क्या नहीं करते। आप समझिए, फैब्रिक ने, फैब्रिक की दुनिया में ओनली विमेन ने, सिर्फ और सिर्फ पॉलिएस्टर फाइबर ने रिलायंस में धीरू भाई अंबानी की आंखें खोली। आज वो टेलीकॉम से लेकर के म्यूजिक के बड़े बड़े क्या कहते हैं हॉल्स बना बना करके धंधा कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे। तो एमवे सिर्फ आपकी आंखें खोल देता है कि भैया आपके पास ये अनप्रोडक्टिव आवर्स हैं, और उस अनप्रोडक्टिव आवर के अंदर में जाकर के आप अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने की शुरुआत करते हैं, तो आपको अपने अंदर का पोटेंशियल दिखाई देता है और उस पोटेंशियल की वजह से आप मैनिफेस्ट रहते हैं और एक समझिए न्यूक्लियर बॉम्ब बनकर दुनिया भर। नए लोगों के लिए कितना टाइम एलोकेशन होना चाहिए एमवे बिजनेस के अंदर? एक घंटा पर डे भी बहुत है, 7 to 10 hours पर वीक बहुत है। 4 IBO जो पार्ट टाइमर है, जो पार्ट टाइम में काम कर रहा है, 2 घंटा पर डे बहुत है, 10 to 15 घंटा हफ्ते में भी है बहुत। ब्रॉन्ज बिल्डर या उससे अधिक जो पिन वाले व्यक्ति है, 3 घंटा कम से कम दें, 20 to 30 घंटा हफ्ते में। और प्लैटिनम या उससे अधिक लीडर है, वो 4 घंटे कम से कम पर डे के हिसाब से दें, 30 to 50 घंटे, क्योंकि उनकी इनकम भी उसी प्रोपोर्शन में हाई हो चुकी हो। मिनिमम टाइम कमिटमेंट जो आपको अपनी पार्टनरशिप को ऑनर करने के लिए देना चाहिए एमवे बिजनेस में, दैट इज 1 hour ऑफ प्रोडक्टिव वर्क पर डे मल्टीप्लाइड बाई 5 days, 5 दिन कम से कम। 1.5 घंटा 2 ओपन मीटिंग का, यानी 3 घंटा हो गया, एक वेडनेसडे की ओपन मीटिंग और एक कोई ना कोई फिजिकल मीटिंग होती होगी आपके शहर के अंदर में। 2 घंटा पेस मीटिंग का, यानी 10 to 12 घंटा कम से कम किसी भी आदमी का ऑनर पार्टनरशिप के लिए चाहिए। अगर 10 to 12 घंटे आप हफ्ते का नहीं दे रहे हैं, आप एमवे बिजनेस का पार्ट नहीं है और आप किसी बिजनेस के दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। सफलता आपके कदम नहीं चूमने वाली है, उल्टा सारी जिंदगी आपसे पीछा छुड़ा के भागने वाली। अब देखिए, 4 प्रकार की एक्टिविटीज हमारी लाइफ में, इसको देखिए क्वाड्रेंट से बांटा गया है, महत्वपूर्ण और जो महत्वपूर्ण नहीं है, इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट अभी तुरंत करना होगा और नॉट अर्जेंट। अब देखिए, जो सबसे ज्यादा फालतू क्या कहते हैं क्वाड्रेंट है, वो क्या है, नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, जिसमें भैया ना इंपॉर्टेंट है ना अर्जेंट है। फॉर एग्जाम्पल, टीवी देखना क्या इंपॉर्टेंट है? नहीं। क्या अर्जेंट है? नहीं। तो जो नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट एक्टिविटीज होती है, उसको हमको डीक्लटर करना चाहिए। ऐसे टास्क जो कि आपके मिशन और गोल से अलाइन नहीं करते हैं, उनको ना बोलना सीखिए। जितना ज्यादा आप ना बोलेंगे, उतना ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आता है नॉट इंपॉर्टेंट लेकिन अर्जेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है। क्या? गाड़ी का टायर फट गया, अब अर्जेंट है। दरवाजे में घंटी कोई बजा रहा है, अर्जेंट है। भाई दूध लाना है, अर्जेंट है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि दूध नहीं लाया तो भाई जिंदगी खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, अर्जेंट। तो जो अर्जेंट चीजें हैं आपको तुरंत करने की जरूरत है, बट ये क्या है, नॉट इंपॉर्टेंट है, इसको डेलीगेट किया जाता है। किसी आप महत्वपूर्ण है ये समझते हुए किसी ऐसे आदमी को डेलीगेट कर दीजिए, भाई तुम ये काम देख लेना, मैं इसको देख, तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट काम नहीं है, इससे मतलब इससे रिस्क नहीं। भाई दूध लाने में कोई रिस्क नहीं किसी आदमी, लेकिन दूध लाने में आपका 10 मिनट जाएगा, तो दूध लाने का काम किसी आदमी को डेलीगेट करिए, आप समझिए, तब आपका वो 10 मिनट बच जाए, आपका फोकस हो क्या हो पाए। अगर इस वक्त मैं चला जाऊं कि भी खाना क्या बना है, स्विगी करूं कि नहीं करूं, तो क्या होगा, मैं आपके साथ मीटिंग नहीं कर पाऊं। तो मैंने क्या किया, अपने खाने के काम को डेलीगेट कर दिया, या जोमेटो या स्विगी या मेरी मेड सर्वेंट वही टेक केयर करेगी, मैं घुस के किचन में देखने वाला नहीं हूं। इसको कहते हैं डेलीगेट कर देना। आपको एम्पावर करना पड़ेगा किसी न किसी व्यक्ति को अपनी टीम में या अपनी लाइफ में या अपनी फैमिली में, जो उनको आपको टास्क दे सके इंपॉर्टेंट में, और उनको इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग करने दीजिएगा। मेरी मेड